चीनी कंपनी लेनोवो अपने मोटोरोला ब्रांड के तहत सोमवार को भारत में नया स्मार्टफोन मोटोरोला वन पावर लॉन्च करने जा रही है। ये कंपनी का दूसरा एंड्रॉइड वन स्मार्टफोन है, जिस वजह से इसे 3 साल तक हर महीने गूगल का सिक्योरिटी पैचअप और 2 साल तक एंड्रॉइड अपडेट मिलता रहेगा। ये पहला ऐसा एंड्रॉइड वन स्मार्टफोन है जिसमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में इसकी बैटरी 6 घंटे तक का बैकअप दे सकती है। इसके साथ ही इसमें मोटोरोला का टर्बो चार्ज भी मिलेगा। मोटोरोला वन पावर 2 वेरिएंट में आ सकता है, जिसका पहला वेरिएंट 3GB RAM 32GB स्टोरेज और दूसरा वेरिएंट 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत 15,000 से कम हो सकती है। डिस्प्ले 6.2 इंच का होगा। ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 पर रन करेगा। इसका फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल और रियर कैमरा 16+5 मेगापिक्सल का होगा। इसकी कनेक्टिविटी 4G LTE वाईफाई ब्लूटूथ 5.0 होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।